नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि इस शो में हम सब एक मुद्दा लेकर आते हैं सभी की राय से, जिस पर चर्चा होती है, और आज चर्चा करेंगे क्योंकि बीते दिन हरियाणा में जिस तरीके से परिणाम आए हैं और इस दौरान कांग्रेस के जिस तरीके से मायने थे, कांग्रेस जो सोच रही थी कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, ऐसे में कांग्रेस की वहां पर हार हुई है और जो गठबंधन है उसमें दरार इस दौरान नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार उसमें दरार हरियाणा से लेकर चुनाव हुआ है तो गठबंधन में दरार क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सीटों पर सभी की निगाहें हैं। वो 10 सीट जिसमें से 5 सीटें बीजेपी की है और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की है। लेकिन ऐसे में अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में काफी जद्दोजहद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिली। ऐसे में क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है उपचुनाव को लेकर, जिसमें 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब इन प्रत्याशियों के उतरने के बाद आखिरकार कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि उसमें वो भी सीटें हैं जिसमें अगर मैं अजय राय की बात करूं जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे शांतनु राय को। लेकिन ऐसे में शांतनु राय को अगर वो लॉन्च करना चाहते थे, एक सीट उन्होंने पर्टिकुलर इस पर बात रखी थी, लेकिन वो सीट पर भी अब जो समाजवादी पार्टी है उसने अपना प्रत्याशी उतार दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या उपचुनाव आने वाले चुनावों के लिए यहां पर इंडिया गठबंधन के अंदर दरार डालने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में राजेश से करती हूं। राजेश, क्या लगता है, क्योंकि हरियाणा से चली बयार अब आखिरकार उत्तर प्रदेश तक आ रही है, क्या ये इंडिया गठबंधन जिसको लेकर दमखम दिखाया गया था, तमाम बातें करी गई थी, क्या बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? देखिए, हरियाणा में जो हुआ वाकई वो उसकी उम्मीद ना तो खुद बीजेपी को थी, ना समाजवादी पार्टी को थी और ना कांग्रेस की थी। जो नतीजे आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले थे। भाई ऐसा कैसे, सारे एग्जिट पोल, सारे तमाम पॉलिटिकल पंडित, उनकी जो भविष्यवाणियां थी सब झूठी साबित हुई। अब सवाल ये कि भाई इसका गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, कांग्रेस वहां पे ना अति आत्मविश्वास में थी कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, हम तो अब जीते हुए हैं, हम तो क्लियर हुए हैं, ना हमें अखिलेश की जरूरत है, ना केजरीवाल की जरूरत है। और अंदर से गठबंधन के ये साथी अब नतीजों के बाद खुश है कि देख लिया तुमने, तुम बड़ा अकेले अकेले बन रहे थे ना, तो अब अकेले तुमने क्या कर लिया, तुम सरकार नहीं बना पाए। परिवार में एक बंदा है, 4 बंदे उसके खिलाफ हैं कि बाहर से खुश है और अंदर से ठीक है। अंदर की जो फीलिंग है वो यही है। अखिलेश भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर कद उनका बढ़ गया तो फिर दबाव अखिलेश पे आ जाता कि भैया जो हम कह रहे हैं वो करो, और उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर तो पहले से खींचतान है। अब जब नतीजे आ गए तो अगले ही दिन यानी आज ये 6 नाम ऐलान करना, और उसमें भी वो जो 2 कांग्रेस मांग रही थी उस पे ये देना, मतलब संदेश सीधा है कि अब हम बड़े भाई की भूमिका में, कांग्रेस को छोटे भाई की भूमिका में ही रहना पड़ेगा। जबकि यूपी में कांग्रेस जो है वो ये कोशिश कर रही थी लोकसभा चुनाव के बाद कि हम बड़े हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। लेकिन अब ये दबाव जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस पे है और इसका असर अब गठबंधन पे भी पड़ता नजर आ रहा है। अर्जुन, आपको क्या लगता है? बिल्कुल राजेश, आपकी की बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि गठबंधन में जो दबाव है ना वो लगातार रहा है बड़ी पार्टियों का, चाहे कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की। लेकिन राजेश, मुझे ये भी लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी, हमने पहले खबर को दिखाया था कि 6 सीटों पर नाम तय हैं, बस ऐलान बाकी है, वो शायद इंतजार कर रही थी कि हरियाणा की स्थिति देख लेते हैं क्या होती है, और शायद इसी चीज का इंतजार था ताकि ज्यादा दबाव भी ना हो और जो वो सीटों की मांग कर रहे हैं उसमें शायद अब उनको खुद से एक कदम पीछे ले लेना चाहिए, और उसी तरह की सिचुएशन बन भी गई है और तुरंत उसके एक दिन बाद आज लिस्ट जारी कर दी जाती है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि कितनी पुख्ता होती है वो धीरे धीरे जब 10 सीटों पर नाम सामने आएंगे वो तस्वीर भी सामने हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यानी कि कुल मिलाकर जो गठबंधन में 2 बड़ी पार्टियां, वो इसी की चर्चा होती है, वो जो दरार है, वो जो फासला है वो कम होता है, यानी पहली चीज। और दूसरी चीज हम इसे यूपी से सीधा इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि अब हरियाणा के बाद उपचुनाव यूपी में है, तो कितना असर पड़ता है ये देखना होगा, और इसमें बीजेपी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, शायद मुझे लगता है वो भी एक तस्वीर साथ के साथ बन रही है। अर्चना, बिल्कुल, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अगले 100 घंटे में यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अर्चना, मैं उसी स्थिति को एक बार यहाँ पे दोहराना चाहूंगी, ये वही स्थिति हो गई लोकसभा चुनाव वाली। राम मंदिर के बाद बीजेपी उत्साहित थी, अति उत्साहित थी कि चलो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल 400 पार का नारा लेकर चल रहे हैं, वहां पे आरएसएस खफा हो गई थी। अब वही स्थिति जो है वो हरियाणा में देखने को मिली। कांग्रेस को लगा कि यार हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, हमारी इतनी ज्यादा हमारे सांसद चुन के गए हैं, तो हम बिल्कुल मजबूत स्थिति में और हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ जहां हरियाणा में कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही थी, वहीं बीजेपी अपनी
कमियों पर काम कर रही थी, क्योंकि जानकारी भी मिल रही थी कि आरएसएस का पूरा यहाँ पर समर्थन मिला है, बीजेपी को आरएसएस के जो कार्यकर्ता है वो गांव गांव में गए और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें अच्छा खासा वोट मिला है। लेकिन यहाँ पर बात अगर उत्तर प्रदेश की कर ले तो अखिलेश यादव जो है मुझे लगता है कि वो वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने लोकसभा में किया था। 17 सीटें कांग्रेस सपा कह रही थी हम 17 सीटें देंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही थी हम 20 से 22 सीटें लेंगे। उन्होंने क्या किया, अपनी सूची जारी कर दी। अब यहाँ पर वही हुआ कि कांग्रेस की स्थिति को देखा गया कि भाई तुम तो कहीं के नहीं हो, आप ये है कि हम जो कहेंगे आपको वो मानना पड़ेगा। कांग्रेस ने दबाव बनाने की कोशिश भी की, पूरे अपने 10 सीटों पर प्रभारियों को भी नियुक्त कर दिया। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है कि तुमको 2 सीटें भी मिलने वाली थी लेकिन अब 6 सीटों पर उतार दिया, 4 सीटों को रोक के रखा गया है, उस पर भी मंथन होगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब यहाँ पर नेगोशिएशन की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, वो नेगोशिएट नहीं कर सकती है। उन्हें जो देगी सपा वो उन्हें लेना पड़ेगा, अन्यथा फिर वो सीटें भी उनके हाथ से चली जाएंगी। दीपिका आपको क्या लगता है कि क्या इस स्थिति के बाद, इस परिणाम के बाद कांग्रेस नेगोशिएट कर सकती है, चाहे वो यूपी उपचुनाव की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो या फिर झारखंड की बात हो? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप सभी लोगों ने जिक्र किया, सबसे पहले तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं समाजवादी पार्टी का इतिहास अपने दर्शकों से भी साझा करना चाहूंगी। सबने देखा कि गठबंधन के मामले में कितना खराब ट्रैक रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का रहा है, चाहे बात बुआ बबुआ वाले गठबंधन की हो। इससे पहले हमने देखा मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम जैसे के नारे दिए गए, लेकिन ये गठबंधन चले नहीं। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी हमने देखा था कि जब 5 राज्यों में चुनाव थे, मध्य प्रदेश में सबने देखा कि किस तरह से चिरकुट और कितनी बड़ी बड़ी बयानबाजियां हुई थी, और तब साफ कहा गया था कि ये जो गठबंधन है ये विधानसभा का नहीं लोकसभा के लिए गठबंधन है। तो मुझे सबसे पहले तो बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि अगर गठबंधन है तो वो विधानसभा के लिए भी है और लोकसभा के लिए भी है। लेकिन अब हम बात करते हैं लोकसभा के, जब चुनावी नतीजे आए तब हम सभी ने देखा कि इस गठबंधन को असल में सीरियस में लिया गया, और उपचुनाव के लिए ये एक सबको तय लग रहा था कि पहले 5-5 सीटों की बात चल रही थी, फिर 7-3 की बात आई कि 7 पे भाई समाजवादी पार्टी और 3 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मन में और अंदर खानी ये पूरी पटकथा चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये लिस्ट बहुत पहले तैयार कर ली गई थी कि भाई कांग्रेस को अगर मैंडेट ऐसा मिलता है तो हम इस तरह से सूची जारी करेंगे, और ठीक वही हुआ। आप टाइमिंग देखिए, 24 घंटे भी नहीं बीते हो और सूची जारी की जाती है, और 2 बहुत चौंकाने वाली सीट फूलपुर और मझवा जिसपे कांग्रेस ने साफ तौर पर अपनी निगाहें गड़ाई हुई थी, उस पर अपने प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये अभी फुल स्टॉप यही नहीं लगेगा, अभी ये सूची और आगे बढ़ेगी। यानी ये जो गठबंधन है, गठबंधन पर जो सवाल उठने, दरार वाली जो बात उठ रही है ना, वो उसे और इसकी पुष्टि करेगी। और मुझे लगता है कहीं ऐसी स्थिति ना बने कि इन 10 सीटों में कहीं जो कहते हैं ना छिटक कर कांग्रेस के पास कोई एक सीट आए और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी। ये अभी अंदर की हो सकता है ये रणनीति, आगे क्या रणनीति बनती है क्या। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं संदेश तो गया ही है कि अंदर खाने सब ठीक नहीं है, गठबंधन में समन्वय नहीं है। लेकिन दीपिका, अभी आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव का, कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिक्र अभी आपने किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए, वही अखिलेश यादव के दिमाग में कि देखिए लोकसभा चुनाव आपने, जब विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में, वहां आपने सीटें नहीं दी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वो भी शायद उसी मूड में कि जब आपने सीटें नहीं दी तो हम नहीं दे रहे। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, अच्छा एक चीज और है, हरियाणा में भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान रही थी, और हरियाणा में पूरे दमखम के साथ कोई वहां पर, पहले बात चल रही थी कि समाजवादी पार्टी वहां पर, क्योंकि अखिलेश यादव खुद गए थे वहां, हरियाणा में भी दौरे किए उन्होंने, तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का भी कुछ वर्चस्व कुछ सीटों में देखने को मिल सकता है, लेकिन नहीं हुआ। हरियाणा में कांग्रेस ने अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का वर्चस्व है, जब आप वहां शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपने जोन में तो नहीं आ रहे। और मुझे उत्तर प्रदेश की सीटें तो वैसे भी लग रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की भूमिका में है, ठीक है, अगर पार्टी पूरी तरीके से आती भी है या गठबंधन के साथ में भी आती तब भी वो पूरे मुख्यमंत्री के, तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि जो उपचुनाव में भी आप एक सीट का जिक्र भी कर रहे हो ना, अगर बात बनती है नहीं बनती तो वो एक सीट भी मुझे नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी दे पाएगी, क्योंकि ये 10 सीटें सेमीफाइनल ही। यहाँ कह रहे हैं ना पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई है, कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि समन्वय बनाने के लिए तैयार नहीं होगा कि भाई जहां हम मजबूत हैं हम वहां शेयरिंग नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है पंकज कि जो ये पहले ही मुझे लगता है चीजें
तय हो गई थी थोड़ी सी कि भाई अखिलेश, क्योंकि पहले हरियाणा में कह रहे थे कि हम भी लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश को मनाया कि यहाँ पे सीधी टक्कर है, नुकसान हमारा होगा, आप रहने दीजिए। तो हो सकता है वहां पे बात हुई, ठीक है फिर हम उपचुनाव में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब इसलिए नतीजे आए तो उन्होंने सीधा कह दिया कि भैया ये आप। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो चार सीटें बची हैं उसमें आखिरकार समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है। बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ उस चीज से पंकज, क्योंकि मेरे जहन में भी ये बात आई कि अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस में एक सहयोगी दल बन के रह गई, कहीं अब ये ना हो कि वही तस्वीर कांग्रेस को यूपी के उपचुनाव में दोहरानी पड़ जाए, क्योंकि अब स्थिति कुछ इस तरह की है। और दूसरी बात ये कि हम बात करते हैं कि पार्टी का तो सबका अपना वर्चस्व है, क्योंकि कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ग्राउंड्स पर किसकी कितनी मजबूती है। अब यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को हम कैसे नकार सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अब उपचुनाव को लेकर तो तैयारियां चल ही रही है, लेकिन उसी के साथ ये जो गठबंधन हुआ ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं था, मुझे लगता है राजेश ये गठबंधन अब सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए था। अब जैसे जैसे राह आसान हो रखी है, वो कहते हैं ना कि अब कांटे को निकाल कर साइड कर देने वाली बात है, अगर वो भी करना पड़ जाए मुझे लगता है कि वो गुरेज नहीं करेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी पर हमेशा से ही आया है सवाल कि वो परिवारवाद को बढ़ाती है, जैसे जिसमें से मिल्कीपुर की अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर सीधे तौर पर अवधेश प्रसाद के जो बेटे उनको उतार दिया, वहाँ तेज प्रताप को उतार दिया है, तो परिवार मझुआ में भी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं बिंद ज्योति, वो भी परिवारवाद। लेकिन पत्नी को भी, लेकिन यहाँ पर ना जो मझुआ सीट की आप बात कर रहे हो, मझुआ सीट पर जो शांतनु राय है अजय राय के बेटे, वो अगर वहां पर उतारते तो वो भी परिवारवाद होता, लेकिन समाजवादी पार्टी मौका ही नहीं दे रही है कांग्रेस को परिवारवाद या किसी भी चीज में। वो कह रही है सुनिए परिवारवाद का तो जिक्र आपके नाम पर आता है ना, अब आप साइड हो जाइए। अब यहाँ पर क्योंकि हमने 5 सीटें लोकसभा के चुनाव में देखी, समाजवादी पार्टी परिवारवाद पर ही ले गई, लेकिन ऐसे में वो इस बार भी नहीं छोड़ना चाहती, यानी कि परिवारवाद एक बार फिर से उपचुनाव में नजर आ रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी कुछ भी करे, चाहे साइडलाइन करे कांग्रेस को या किसी को भी, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने परिवारवाद के साथ अपने उसी एजेंडे के साथ, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला इसमें भी मुस्लिम समुदाय से भी उतारे प्रत्याशी, ऐसे में दलित समुदाय से भी उतारे हैं प्रत्याशी, तो मुझे ऐसा लग रहा है पीडीए का फॉर्मूला और परिवारवाद ये क्योंकि मायावती का भी एक बयान आया, क्योंकि मायावती भी समय समय पर एक शोभा छोड़ देती है कि शायद सही जगह पे लग जाए, तो उन्होंने गठबंधन को भी हरियाणा में जो हार हुई है उसके जिम्मेदार ठहराया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये दलितों को गुमराह करके सिर्फ अपनी अपनी सत्ता हासिल करने चाहते हैं, खुद को मजबूत करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी, जैसे कि दीपिका ने पहले भी कहा कि उनका इतिहास रहा है, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला हिस्सा जनता ने, लेकिन अब यहाँ पर अर्चना जनता को नहीं वोट करेंगे, अपना काम बनता भाड़ में जाए सहयोगी, ये है बिल्कुल, ये मतलब एक कहावत जैसे कहते हैं ना कि इंसान अपने काम से मतलब रखता है, तो वैसे समाजवादी पार्टी गठबंधन में ये सटीक बैठता है उनके लिए, तो मुझे लगता है कि जहां पर वो पीछे नहीं हटना चाहती समाजवादी पार्टी, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी इसके लिए। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकती है, जब अपने परिवार को उन्होंने नहीं इतना महत्व दिया तो फिर मुझे कांग्रेस तो बहुत बहुत कमजोर नजर आ रही है इस वक्त, तो मुझे लगता है समय है। अपने पास कोई एक कमेंट करना चाहता है? नहीं, तो ठीक है, आप लोगों का क्या कहना है उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है गठबंधन को लेकर, हमारी भी नजरें, लगातार अपडेट आपको देंगे, नए मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।